हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आज मैं आपको ये शूज़ बनाना सिखाऊंगी, नीचे का सोल और शूज़। तो मैंने एक सोल का वीडियो बनाया था, उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ भी गए हैं, लेकिन लोगों को कंप्लेंट ये थी कि मैंने पूरा शूज़ बनाना नहीं सिखाया। तो वो मैंने अलग तरीके से बताया था, अब मैं आपको सोल के साथ में शूज़ बनाना सिखाऊंगी। तो आज मैं इस पहला वीडियो जो डाल रही हूँ वो डाल रही हूँ 0 to 3 month का। तो इसका सोल भी बनाना सिखाऊंगी आपको और ये ऊपर का शूज़ भी बनाना सिखाऊंगी। ऐसे ही आगे मैं 3 to 6, 6 to 9, 9 to 12 और 12 to 18, 18 to 24 month के बताती जाऊंगी आपको। और यहाँ पे पैटर्न चेंज करते जाएंगे, अलग अलग तरह के शूज़ बताऊंगी मैं आपको इसमें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने मेरे चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो देखिए, यहाँ पे मैंने क्रोशिया लिया है 3.50 mm का और ये जो ऊन है वो गंगा कडली की यान है 4-ply। तो देखिए, आप जो 3.50 mm से क्रोशिया के साथ आपकी जो ऊन सही बैठ रही हो आप वो ले लीजिए। अगर आपके पास सेम ऊन नहीं है तो क्रोशिया आप सेम ही लीजिएगा। इसका मेरे पास कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कि अगर आपके पास ये क्रोशिया नहीं है या आपके पास ये यार्न नहीं है। मैं आपको अलग अलग साइज़ बता रही हूँ। पहले मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने सोल बताया था, उसमें एक ही क्रोशिया से अलग अलग नाप बताए थे। लेकिन यहाँ पे मैं आपको इस क्रोशिया से अलग अलग शूज़ बताऊँगी, चेंज होंगी। तो आपके पास सेम क्रोशिया और सेम ऊन होना ज़रूरी है। जो आपकी 3.50 mm के साथ में ऊन चल रही हो आप उसको यूज़ कर लीजिए। थोड़ी पतली या थोड़ी मोटी हुई हल्की सी तो उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम बनाएंगे स्लिप नॉट। वीडियो पूरा देखिएगा, नहीं तो फिर कहीं ना कहीं कन्फ्यूज़न हो जाएगा। अब देखिए, यहाँ पे बनाएंगे 10 chain, ठीक है। काउंटिंग बहुत ज़रूरी है, आपके स्टिच बराबर आने चाहिए, नहीं तो आपका पैटर्न सही नहीं बैठेगा। तो यहाँ पे मैं 10 chain बना लेती हूँ। तो देखिए, ये हमने 10 chain बना ली है। आप चैन्स की काउंटिंग, स्टिच की काउंटिंग बराबर रखिएगा, जिससे आपका सही से लास्ट आए तो आपकी सेम स्टिच आए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने 10 chain बनाई हैं। फर्स्ट वाली चैन छोड़ेंगे और जो सेकंड वाली चैन है इसमें 2 half double crochet बनाएंगे। 1, 2। अब देखिए, यहाँ से ये 7 chain में 1 half double crochet बनेंगे। मेरे मुंह से कई बार डबल क्रोशिया निकल जाता है, हमें हाफ डबल क्रोशिया से बनाएंगे हम इसको पूरा। 1, 2, मैं 7 double crochet बना लेती हूँ, सॉरी हाफ डबल क्रोशिए 7 chain में, ठीक है। 2 वाले को काउंट नहीं करें जहाँ में हमने एक साथ बनाए थे, अब यहाँ पे हमें 7 half double crochet बनाने हैं। तो देखिए, हमने ये 7 half double crochet बना लिए, लास्ट वाली चैन बची हुई है, ठीक है। फर्स्ट चैन छोड़ी, सेकंड वाले में 2 half double crochet बनाए, फिर 7 में 1 बनाए। अब लास्ट वाला जो चैन है उसमें हम 6 half double crochet बनाएंगे। वन, टू, ये देखिए, ये जो धागा है इसको हम साथ में ले लेंगे जिससे यहीं पे स्टिच में आ जाएगा। 2, 3, 4, 5, 6, ये हमने 6 double crochet बना लिए लास्ट वाले स्टिच में। अब देखिए, ये जो 7 chain हैं यहाँ पे इस तरफ बनाएंगे, ये जो 7 stitch हैं इनमें 1 1/2 double crochet बना लेंगे। लास्ट वाले में हमें फिर से 2 half double crochet बनाने हैं। तो इसको मैं ये 7 half double crochet बना लेती हूँ, लास्ट वाले स्टिच पे आ जाएंगे। तो देखिए, ये 6 बनाने के बाद हमने 7 half double crochet बना लिए। अब देखिए, ये हमारा लास्ट स्टिच है, कहीं भी आपको क्रोशिया नहीं घुसा देना है। यहाँ पे देखिए, ये लास्ट स्टिच है, यहीं पे हमारे 2 half double crochet बनेंगे। तो स्टिच आप जहाँ प्रॉपर ही बनाइएगा, कहीं भी स्टिच आप क्रोशिया डाल के फिर स्टिच बना देंगे तो फिर ये जो पैटर्न है ये थोड़ा सा स्ट्रेट नहीं आएगा, कहीं से ऊंचा कहीं से नीचा हो जाएगा। अब देखिए, ये हमारी फर्स्ट चैन थी जो हमने इसको छोड़ा था।
फर्स्ट चैन छोड़ के सेकंड वाले में हमने टू हाफ डबल क्रोशिया बनाए थे। तो ये देखिए, आप चाहें तो इसको मार्क कर सकते हैं। तो देखिए, आप इसको मार्क कर सकते हैं या मैंने बाद में करके आपको आगे वाली रो में बताती हूँ किस तरीके से मार्क करना है। अब ये फर्स्ट वाली चैन है, इसमें हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। तो आप इस तरीके से मार्क कर देंगे तो आपको स्टिच ढूंढने में प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखिए, सेकंड रो बनाएंगे, चैन वन बनाएंगे और यहाँ पे टू हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे फर्स्ट वाली जगह पे ही। तो देखिए, ये हमने चैन वन बनाया और ये जो फर्स्ट वाला स्टिच है जहाँ पे हमने स्लिप स्टिच से अटैच किया था, यहीं पे टू हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन टू। अब देखिए, आपके पास कोई धागा है तो आप ऊन लगा दीजिए दूसरे कलर की, चाहे आप पिन लगा दीजिए या आपके पास मार्कर है तो मार्कर लगा दीजिए। तो ये हमने चैन वन बनाई है और जो फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया है इन दोनों के बीच में इसको अटैच कर दीजिए। फर्स्ट में हमने टू हाफ डबल क्रोशिया बनाए, अब जो सेकंड स्टिच है इसमें भी हमें टू हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, वन टू। अब देखिए, यहाँ से सेवन स्टिच हैं, उनमें वन वन हाफ डबल क्रोशिया बनेगा, वन टू। तो मैं बना लेती हूँ सेवन में, ठीक है। तो देखिए, ये सेवन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। अब देखिए, यहाँ से सिक्स स्टिच में हमें टू टू हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं सिक्स टाइम, ठीक है, वन सेकंड में टू, सिक्स टाइम हमें एक स्टिच में दो डबल क्रोशिया बनाने हैं, एक दो तीन चार पांच छः। हमने सिक्स टाइम टू टू हाफ डबल क्रोशिया बना लिए। अब देखिए, यहाँ से सेवन जो स्टिच है इनमें वन वन हाफ डबल क्रोशिया बनेगा, ठीक है। तो मैं सेवन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना लेती हूँ। तो देखिए, हमने सेवन में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। अब ये दो लास्ट स्टिच बचेंगे। देखिए, यहाँ कोई स्टिच नहीं है, आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, यहाँ आपको कुछ स्टिच नहीं बनाए। हमने सेवन बनाए हैं तो यहाँ पे टू हाफ डबल क्रोशिया बनेंगे सेकंड लास्ट दो में। देखिए, एट्थ वाले में टू हाफ डबल क्रोशिया बनाए, वन टू, और नाइन्थ वाले में टू हाफ डबल क्रोशिया बनाए, वन टू, ठीक है। ये कोई स्टिच नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे हमने जहाँ पे ये मार्क किया था इसमें हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। चैन वन बनाएंगे और देखिए यहाँ पे थर्ड वाली रो है, चैन वन बनाया और यहीं पे जहाँ पे हमने चैन वन बनाया है उस पर हमें टू हाफ डबल क्रोशिया बनाने हैं, वन, ठीक है। फिर से इसको मार्क कर देंगे। अब जो नेक्स्ट वाला स्टिच है इसमें वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, वन हाफ डबल क्रोशिया। अब जो थर्ड वाला है, फर्स्ट में हमने टू बनाया, सेकंड में वन बनाया, इसमें थर्ड वाले में टू हाफ डबल क्रोशिया बनेंगे, वन टू। अब देखिए, यहाँ से एट स्टिच में हम वन वन हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। तो मैं बना लेती हूँ, पहले दो में हमने सेवन में बनाया था, अब इसमें एट में बनाएंगे। तो देखिए, हमने यहाँ से एट में वन वन हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अब देखिए यहाँ से हम टू डबल क्रोशिया, फिर वन, फिर टू, फिर वन, फिर टू, फिर वन, सिक्स टाइम हमें टू डबल क्रोशिया के सेट बनाने हैं और बीच में एक वन का डबल क्रोशिया का सेट बनाना है। देखिए, फिर से बनाते हैं, मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, हमने यहाँ पे एट बना लिए, फर्स्ट वाले में बनाएंगे टू हाफ डबल क्रोशिया, वन टू, सेकेंड वाले में बनाएंगे वन डबल क्रोशिया, वन हाफ डबल क्रोशिया, थर्ड वाले में टू हाफ डबल क्रोशिया। तो ये टू सिक्स टू डबल क्रोशिया के सेट होने चाहिए, ठीक है।
ये 1 2 फिर 1 फिर 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 2 हम इनको काउंट कर लेंगे कि हमारे 2 डबल क्रोशे के सेट कितने हुए हैं। ठीक है, तो यहाँ से काउंट करेंगे, ये देखिए 1 2, देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, ये 2 डबल क्रोशे का सेट, 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6। ठीक है, बीच में 1 1 डबल क्रोशे आए हैं और 6 टाइम हमने 2 डबल क्रोशे के सेट बना लिए। अब देखिए यहाँ से 8 स्टिच में 1 1 डबल क्रोशे, 1 1 हाफ डबल क्रोशिया बनेगा। ठीक है, 8 स्टिच में बना लेती हूँ मैं, देखिए 8 हमने हाफ डबल क्रोशिया बना लिए। अब यहाँ पे 1 2 3 4 स्टिच बचे हैं। अब देखिए इसमें हम क्या करेंगे, इसमें बनाएंगे 2 डबल क्रोशिए, 1 2 हाफ डबल क्रोशिए, नेक्स्ट में बनाएंगे 1, इससे नेक्स्ट में बनाएंगे 2, और लास्ट वाले में बनाएंगे 1 हाफ डबल क्रोशिया। और देखिए इसको यहाँ पे फर्स्ट वाली चैन और फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया के बीच में इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। तो देखिए ये हमने बना लिया है। अब इसकी देखिए लंबाई मैं आपको नाप के बता देती हूँ। देखिए अगर आप ज़्यादा टाइट हाथ से नहीं बना रहे हैं, बहुत ढीला नहीं बना रहे हैं, ठीक से बना रहे हैं, तो आपकी 3.5 इंचेस ही इसकी लेंथ रहेगी, ये देखिए। ठीक है, सेम क्रोशिया लेंगे तो आपका सेम भी नाप आएगा। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा सोल पूरा हो गया, ये 0 to 3 मंथ के लिए है, और यहाँ पे हमारे पास टोटल स्टिच 44 हैं। ठीक है, तो आपके भी 44 होने चाहिए, आप काउंट कर लीजिए, उसके बाद आप आगे काम कीजिए। अब देखिए ये 1 2 3 फोर्थ वाली रो बनाएंगे। अब देखिए क्या करना है, चैन 1 बनाएंगे, चैन 1 हमारा स्टिच नहीं है। अब देखिए ये जो बैक लूप है, ये अब देखिएगा यहाँ से हाफ डबल क्रोशे बनाने हैं, ये वाला जो स्टिच है, ये देखिए यहाँ से हम करेंगे तो 2 स्टिच आने चाहिए यहाँ पे, एक से करेंगे तो थोड़ा ढीला हो जाता है, तो आप यहाँ से 2 स्टिच लेके हाफ डबल क्रोशिया बनाइएगा, और इस वाले स्टिच को हम मार्क कर देंगे, ये हमारा फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया है। ये देखिए फिर से एक बार बता देती हूँ, ये यहाँ से ये हमारा यहाँ था, इसको आप इस तरीके से करेंगे और ये जो बैक लूप में स्टिच डालेंगे तो आपके पास 2 स्टिच आएंगे, सॉरी 2 स्टिच आएंगे क्रोशिया में। अब दोनों को लीजिएगा और एक हाफ डबल क्रोशिया बना दीजिएगा, ये देखिए इस तरीके से। ठीक है, तो इस रो को मैं पूरा बना लेती हूँ लास्ट तक। तो देखिए ये मैंने हर एक बैक लूप में एक एक हाफ डबल क्रोशिया बना लिया। अब देखिए यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे, फर्स्ट हाफ डबल क्रोशिया और ये जो चैन वन है इसके बीच में, यहाँ पे या आप फर्स्ट वाले हाफ डबल क्रोशिया के ऊपर भी इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर सकते हैं। अब देखिए चैन 1 बनाएंगे, और अब जो रो है वो हमें फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट की बनानी है। तो देखिए यहाँ से हम धागा लपेटेंगे और एक स्टिच को फ्रंट पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक स्टिच को बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक स्टिच को फ्रंट पोस्ट बनाएंगे, एक स्टिच को बैक पोस्ट बनाएंगे। ठीक है, तो यही रो रहेगी और लास्ट तक बना के वापस यहीं आ जाएंगे जहाँ से हमने स्टार्ट किया। ठीक है,
तो देखिए ये फिफ्थ रो के लास्ट में आ गए हैं, और ये फर्स्ट ये चैन वन हमने बनाई थी, और यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। ठीक है, आप स्टिच ज़रूर काउंट कीजिएगा, यहाँ पे भी 44 स्टिच ही होने चाहिए आपके। अब देखिए चैन वन बनाएंगे, और यहाँ से देखिए ये हमारा लास्ट वाला जो स्टिच आया है वो बैक पोस्ट आया है। इस चीज़ का थोड़ा ध्यान रखिएगा, अगर आपके सेम स्टिच आएंगे तो आपका सेम ही आएगा, कुछ चेंज नहीं आएगा। अब देखिए क्या करना है, फर्स्ट जो 15 स्टिच हैं फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट, वो हमें ऐसे ही बनाने हैं। वन हाफ डबल क्रोशिया बनाना है, वन टू, तो ये 15 स्टिच मैं बना लेती हूँ। ठीक है, तो देखिए यहाँ से हमने 15 जो फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट स्टिच थे वो हमने बना लिए हैं, 15 वाला हमारा फ्रंट पोस्ट आया है। अब देखिए क्या करना है, अब ये वाला जो स्टिच है इसको छोड़ देंगे। अब ये जो 8 फ्रंट पोस्ट स्टिच हैं वो हमें बनाने हैं, बीच वाले स्टिच छोड़ देंगे। अब ये फ्रंट पोस्ट हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं, यहाँ पे हमने हाफ डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट बनाए थे, यहाँ पे हमें डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो देखिए ये बीच वाला स्टिच छोड़ा, ये हमने 16 वाला, इसको फ्रंट पोस्ट बनाया, वन, फिर सेकेंड वाला छोड़ा इसको बनाया, टू, फिर थ्री, फ्रंट पोस्ट ही बनाने हैं, फोर, फाइव, सिक्स, सेवन, एट। अब देखिए यहाँ से हमारे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व 13 स्टिच बने हैं, बचे हैं तो हमें ये 13 ऐसे ही बना देने हैं, बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट करके। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट वाला स्टिच बैक पोस्ट है, हाफ डबल क्रोशिया बनेंगे और फ्रंट पोस्ट। ठीक है, तो ये 13 स्टिच हमें ऐसे ही बना देने हैं, तो ये बना के लास्ट में आ जाती हूँ। तो देखिए ये बनाते हुए लास्ट में आ गए, आप ये लास्ट वाला जो बैक पोस्ट स्टिच है इसको आप थोड़ा ध्यान से बनाइएगा, ये हो सकता है आपको दिखाई नहीं दे, तो आप इसको हमेशा काउंट करके स्टिच को बनाइएगा। यहाँ पे 13 स्टिच हैं, तो एक स्टिच यहाँ पे है, ये हमारी चैन वन है जो हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक स्टिच हमारा यहाँ पर भी है। ठीक है, तो इसको हमने बैक पोस्ट बना दिया, अब यहाँ पर इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब देखिए नेक्स्ट वाली रो बनाएंगे, तो ये हमारी वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स वाली रो हमने बना ली है, सेवन्थ वाली बनाएंगे, चैन वन बनाएंगे। अब यहाँ से 12 स्टिच बनाएंगे, फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट। ठीक है, 12 बनेंगे हाफ डबल क्रोशिया, पहले हमने 15 बनाए थे, यहीं पे हमें 12 बनाने हैं, तो मैं इनको बना लेती हूँ। तो देखिए ये 12 हमने फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट हाफ डबल क्रोशिया बना लिए हैं, 12 वाला हमारा बैक पोस्ट आया। अब देखिए क्या करना है, स्टिच कि हमने धागा लपेटा, 13 वाला स्टिच उठाया, फ्रंट पोस्ट है देखिए इस तरीके से, और ये 3 स्टिच हो गए, दो में से निकाला, थोड़ा टाइट बनाइएगा नहीं तो यहाँ गैप दिखेगा, फिर से धागा लपेटा और ये बीच वाला स्टिच छोड़ा, और ये 15 वाला स्टिच है इसको उठाएंगे, और देखिए दो में से एक साथ निकाला, फिर बचे हुए 3 में से एक साथ निकाल दिया, फिर देखिए धागा लपेटा हमने, और ये नेक्स्ट वाला फ्रंट पोस्ट स्टिच है इसको उठाएंगे, 3 स्टिच हो गए, दो में से धागा निकाला, फिर से धागा लपेटा, नेक्स्ट वाले स्टिच को उठाया, 4 स्टिच हो गए, दो में से निकाला, फिर 3 में से एक साथ निकाल दिया। ठीक है, अब देखिए अब हम यहाँ पे ये जो बीच के 3 स्टिच हैं इनको एक साथ बनाएंगे, देखिए धागा लपेटा हमने, ये नेक्स्ट वाला स्टिच उठाया, ये दो में से निकाला, फिर धागा लपेटा, नेक्स्ट वाला जो फ्रंट पोस्ट है इसको उठाया, फिर देखिए 4 स्टिच हो गए, दो में से निकाला, फिर से धागा लपेटेंगे, और ये नेक्स्ट वाला जो स्टिच है
इसको उठाएंगे, फाइव स्टिच हो गए हैं, दो में से निकालेंगे और फिर ये फोर में से एक साथ निकाल देंगे। ठीक है, फिर जो नेक्स्ट दो हैं ये दो में से निकाला, फिर धागा लपेटा, नेक्स्ट वाले स्टिच को उठाया, ये दो को एक कर दिया, फिर नेक्स्ट दो जो फ्रंट पोस्ट है इन दोनों को एक करना है। ये फ्रंट पोस्ट उठाया, ये देखिए अब देखिए यहाँ पे हमारे पास 11 स्टिच बचे हैं, तो ये बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट हैं, इनको हाफ डबल क्रोशिया बनाते हुए ये 11 स्टिच को बना देंगे। ठीक है, स्टिच की काउंटिंग हमेशा ध्यान से बनाइए करिएगा, जिस नहीं तो आपके स्टिच कम ज़्यादा लगेंगे आपको, फिर आपका पैटर्न भी नहीं बनेगा और आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा, तो स्टिच हमेशा काउंट रखिएगा। तो इसको मैं बना लेती हूँ लास्ट तक। तो देखिए अब यहाँ पर हम इसको फर्स्ट वाले ये जो बना लिए हमने 11 स्टिच, इस तरफ से हमारे 12 हाफ डबल क्रोशिया फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट आए हैं और इस तरफ 11 है। अब यहाँ पे हम इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। अब देखिए चैन वन बनाएंगे, अब ये 1 2 3 4 5 6 7 एट्थ वाली रो बना रहे हैं, चैन वन बनाएंगे और जो 12 फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट स्टिच हैं उनको ऐसे ही बना लेंगे। ठीक है, 1 2 मैं बना लेती हूँ। तो देखिए हमने ये 12 हाफ डबल क्रोशे बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट बना लिए हैं, ये एट्थ वाली रो है हमारी। तो देखिए अब ये हमने दो स्टिच एक साथ बनाए थे दो बार, ये 1 2 को एक किया था, फिर 1 2 को एक किया था, फिर यहाँ पे 3 को एक किया था, फिर 1 2 को एक किया था, फिर 1 2 को एक किया था। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल 1 2 3 4 5 स्टिच हैं। और देखिए ये आपको अलग अलग इसलिए लग रहे हैं क्योंकि हमने फ्रंट पोस्ट एक साथ बनाए हैं, इसकी एक स्टिच है। ठीक है, ये एक स्टिच है। तो अब देखिए क्या करेंगे, ये 12th वाला स्टिच हमने बना लिया, धागा लपेटेंगे और ये फर्स्ट वाला जो स्टिच है इसको उठाएंगे, तीन स्टिच हो गए, दो में से निकालेंगे, फिर धागा लपेटेंगे, जो सेकंड वाला स्टिच है इसको उठाएंगे, फोर स्टिच हो गए, दो में से निकाल देंगे, फिर धागा लपेटेंगे और ये जो तीन स्टिच का सेट है इसको हम एक साथ उठाएंगे, दो में से एक साथ निकाल देंगे। यहाँ पर हमारे पास फोर स्टिच हैं, फिर देखिए धागा लपेटेंगे, फिर जो दो स्टिच एक साथ किए थे उसमें स्टिच को उठाएंगे और दो स्टिच में से निकाल देंगे, फिर धागा लपेटेंगे और ये जो दो स्टिच एक साथ हमने लास्ट वाले इनको हमने लिया और दो में से एक साथ निकाल दिया। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 स्टिच हैं, इन 6 स्टिच में से एक साथ निकाल देंगे, थोड़ा सा टाइट लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, ये जो हमारे बैक पोस्ट फ्रंट पोस्ट स्टिच हैं 11, इनको बना लेंगे जैसे हमने बनाया था वैसे ही हमें बनाने हैं। ऐसे ही, ठीक है, चैन नहीं बनाई है हमने, चैन बनाएंगे तो गैप दिखेगा। यहाँ से हम ये फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट स्टिच 11 है इनको बना लेंगे लास्ट तक। ठीक है, तो देखिए जब आप इसको बना लेंगे इतना तो ये इस तरीके से आएगा। अगर आपको थोड़ा ऊंचा करना है तो हमने जो फ्रंट पोस्ट बैक पोस्ट की एक रो बनाई थी आप उसकी जगह दो रो बना सकते हैं अगर आपको शूज़ को ऊंचा करना है, लेकिन 0 to 3 मंथ के लिए इतना काफ़ी है, बहुत ज़्यादा ऊंचा बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब देखिए हम इसका ये वाला पार्ट बनाएंगे, ये ऊपर वाला, ठीक है, ये वाला पार्ट बनाएंगे। अब इसके लिए देखिए यहाँ से धागा जोड़ेंगे, ये फर्स्ट वाले स्टिच से ही, ठीक है, जस्ट फर्स्ट, ये देखिए यहाँ पर ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे, बनाते हुए वापस यहाँ पे आएंगे। चैन टू बनाएंगे, 1 2 और चैन टू को स्टिच काउंट नहीं कर रहे हैं, यहीं पे एक हाफ डबल क्रोशिया वन डबल क्रोशिया बनाएंगे, हाफ डबल क्रोशिया नहीं बनाएंगे। अब यहाँ से हर एक स्टिच में एक एक हाफ डबल क्रोशिया डबल क्रोशिया बनाते हुए पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक वापस यहाँ आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ से हमने स्टार्ट किया था और पूरा बनाते हुए वापस यहाँ आ गए, 25 डबल क्रोशिया आए हैं यहाँ पर।
अब देखिए फिर से चैन टू बनाएंगे, वन टू, और इस तरफ टर्न हो जाएंगे, चैन टू हमारा फर्स्ट स्टिच नहीं है, यहाँ पे फर्स्ट वाले स्टिच में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और यहाँ से हर एक स्टिच में बनाते हुए वापस यहाँ जाऊँगे। तो देखिए ये दूसरी डबल क्रोशिया की रो भी हमने बना ली है, अब थर्ड वाली रो बनाएंगे, चैन वन बनाएंगे और हर एक स्टिच में एक एक सिंगल स्टिच बनाएंगे जिससे इसमें फिनिशिंग आ जाएगी। पूरा राउंड में 25 स्टिच पे एक एक सिंगल स्टिच बना लेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे सिंगल स्टिच बना लिया, हमने ये जो चैन लास्ट वाला स्टिच है हर बार चैन टू और फर्स्ट डबल क्रोशी के बीच में बनाना है यहाँ पे हमें। अब देखिए सिंगल स्टिच बना ली सब पे, ये जो धागा है इसको इस तरीके से निकाल देंगे, फिर आप सुई से स्टिचेस में डाल के और उनको अच्छे से गांठ बांध के काट दीजिए एक्स्ट्रा। अब देखिए ये इस तरीके से हो जाएगा। अब इसमें हम डोरी डालने के लिए बनाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम चैन बना लेंगे, यहाँ पे एक्स्ट्रा धागा मैं छोड़ रही हूँ, यहाँ पे छोटी छोटी सी बो बना के उसको इसमें जोड़ेंगे, इसलिए मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा धागा छोड़ रही हूँ। और इस तरीके से चैन की जितने लंबे हमें डोरी चाहिए उस हिसाब से आप चैन्स बना लीजिए। तो यहाँ मैं कुछ चैन बना लेती हूँ। तो देखिए ये डोरी मैंने बना ली है और दोनों तरफ मैंने थोड़ी थोड़ी एक्स्ट्रा धागा रखा है। अब यहाँ पे मैं आपको बो बनाना सिखा देती हूँ, छोटी सी बो बनाइए, आप चाहें तो पॉम पॉम है आपके पास पॉम पॉम बना के लगा सकते हैं या ऐसे भी छोड़ सकते हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले बनाएंगे ये स्लिप नॉट, ये देखिए, और इसको बंद नहीं करेंगे, इस तरीके से रखेंगे, चैन टू बनाएंगे, वन और टू हाफ डबल क्रोशी बनाएंगे, वन टू, चैन टू बनाएंगे, वन टू, और यहाँ पे इसको स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। फिर से चैन टू बनाएंगे, वन टू, टू हाफ डबल क्रोशी बनाएंगे, वन टू, चैन टू बनाएंगे और इसको यहाँ पे स्लिप स्टिच से अटैच कर देंगे। और देखिए ये इस धागे को इस तरीके से खींच देंगे और इस यहाँ से काट देंगे इसको, और ये जो है धागे इसको इसमें से इस तरीके से निकाल देंगे, ये स्लिप नॉट बन जाएगी। अब देखिए ये हमने बनाई है और इस तरीके से छोड़ दिया, और ये जो धागा है इसको यहाँ पे एक दो बार गांठे बांध के और इनको हम इस तरीके से काट देंगे एक्स्ट्रा में, और लपेटने के लिए जो हमने एक्स्ट्रा धागा छोड़ा था उसको यूज़ करेंगे जिससे ये उसमें बंध जाएगी। ठीक है, एक्स्ट्रा थोड़ा सा अच्छे से गांठ बांध के इसको काट देंगे यहाँ से। अब देखिए ये इसमें यहाँ से इस तरीके से दो बार लपेटेंगे, और इसको यहाँ पे बांध देंगे और एक्स्ट्रा धागा काट देंगे। तो ये अभी हमने एक ही तरफ बांधी है, दूसरी तरफ भी सेम ही बांधनी है, लेकिन पहले हम इसको शूज़ में डाल लेंगे, उसके बाद इस तरीके से वो बना के दूसरी तरफ भी लगा देंगे। ठीक है, अब देखिए हम इस ये जो धागा है एक तरफ से अभी हमने इसमें कुछ नहीं बांधा है, आप चाहें तो बांधिए नहीं तो मत बांधिए, ऐसे भी अच्छा लगेगा। बस आप ये जो लास्ट वाले ये है इस पर थोड़ा सा फेविकोल या लगा दीजिए, इससे शूलेस जैसा लगेगा, फेविकोल से इसको या ग्लूगन से इसको थोड़ा सा करके और ऐसे टाइट हो जाएगा ये, तो शूलेस जैसा लगेगा। अब देखिए यहाँ से हम इसको डालेंगे और ये जो फ्रंट पोस्ट स्टिच हैं इनसे ये जो धागा है पूरा राउंड में यहाँ से निकालते हुए पूरा राउंड में वापस यहाँ ले आएंगे। ठीक है, तो देखिए ये हमने यहाँ से फर्स्ट वाले जो सबसे ऊपर वाली रो है वहाँ से हमें इस धागे को डालना है, और डालते हुए देखिए मैं इस तरफ आ गई। अब ये जो एक्स्ट्रा धागे हम इसमें डाल देंगे इसको इस तरीके से मोड़ देंगे, और देखिए आप चाहे तो इस तरीके से रखिए, ये शू लेस लग रही है, और चाहे तो आप इसमें बो बांध दीजिए इस तरीके से, ये देखिए इसमें लगाई हुई है मैंने इस वाले शूज़ में। तो आपको जैसा अच्छा लगे, तो
तो ये देखिए हमारे दोनों शूज़ बन गए और दोनों देखिए सेम आएंगे। जब आप इस तरीके से काउंट करके बनाएंगे तो आपके सेम आएंगे, ठीक है। तो फ्रेंड्स अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।